कितने की बीवी रह चुकी हो तुम? गोल बन रही है ये, उसका नेपाल का नक्शा है। हे फैमिली, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैच को यूट्यूब वीडियो के साथ मैं जस्ट अभी सो के उठाऊँ और मुस्कान घर से ऐसे रेडी होके आई है। आज की वीडियो होने वाली लिविंग लाइक अ हस्बैंड फॉर 24 आवर्स। तो मैं भाई बन रहा हूँ हस्बैंड। चलो ठीक है, दोनों कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम दोनों ही कर रहे हैं। फिर वो होगी ना लिविंग लाइक अ फैमिली। बना लेते ना बच्चा। वो नहीं, वो बच्चा मुझसे संभाल जाएगा। बना सकते हैं बच्चा। नहीं, ट्राई करते हैं। अभी सो रहा है, जब उठेगा ना तो उसके बार बच्चा भी बनाएंगे। साड़ी इसने सेम रील में डाली हुई है, जो भी मैंने रील बनाई है ना वो आपको कल मिल जाएगी देखने के लिए। दूसरी नहीं थी तुम्हारे पास? नहीं, टूट गया। हाँ। क्यों पता नहीं अपना आप टूट गया। ये चिपकाया था ना तुमने? चिपकाया था बहुत मुश्किल से। यार झुमके नहीं तुम्हारे पास? नहीं है। तुम्हें गिफ्ट करे थे झुमके मैंने। अब चिपकाओ उसको दोबारा। स्ट्रगल तो है, जब तुम वाइफ बनोगी तो उसके लिए स्ट्रगल भी तो बहुत होंगे। अभी अभी तुम्हें वाइफ वाले 3-4 काम करने हैं। क्या क्या करती है वाइफ? काम तो ऐसे, मेरी मम्मी पूरा घर संभालती हैं, झाड़ू मारती हैं, पोछा मारती हैं, कपड़े धोती हैं। तुम्हारे बस की नहीं है। कर लूंगी मैं, ठीक है, कर लूंगी। वैसे तुम्हारी मम्मी तुम्हारी वीडियो देखती होंगी, हंसती बहुत होंगी ना? ये कैसे कर रही है सब चीजें? वही तो यार मैं सोचता हूँ कि मेरी वाइफ जो होगी ना उसका पेट ऐसा होगा ऐसे, ये बिल्कुल फिट। तो ये क्या है? इतना पतला तो है और कितना पतला ये? और नहीं तो क्या? तो मोटा किसको बोलते हैं? मोटा बोलते हैं जो तुम्हारा है। मैं तो गेनिंग पे हूँ, मोटा तो नहीं हुआ। गाइस ये देखो, एब्स है भाई मेरे, इतनी मोटी हो रही है भाई। मोटी देखो, अरे रहने दो। देखो जुगाड़ू वाइफ, वाइफ इतना खर्चा नहीं कराती। जुगाड़ू वाइफ है ना भाई, तुम्हें दिलाए देते झुमके तुम्हें डालने ही पुराने है भाई। यानी कि पुराने ये किसी और ने देंगे तुम्हें? नहीं मेरे, समझ गया। शक करने वाला है, देख रहे हो शक। हाँ शक वाली बात ही है। शक वाली बात क्या है इसमें? बोलू मैं खुद लेकर के आई हूँ अपने लिए। कब था? जब कहते नवरात्र के टाइम थे। तो तुम भाई सेम कलर के दिए थे मैंने, सेम डिजाइन सेम नहीं था, कलर तो सेम था ना, इसमें मैच तो हो जाता ना। यार कितनी बहस करती है, ऐसी वाइफ होती है। वाइफ इज ऑलवेज राइट। ऐसे कैसे राइट? हमारे आगे नहीं चलेगा राइट वर्ट? हाँ, ऐसी है भाई सिग्मा मेल। कैसी वाइफ हो तुम? ये घर भर संभाला नहीं जाता क्या तुमसे? क्या ये इतना गंदा पड़ा है क्या ये? अभी आप ऑफिस जाओगे तब मैं संभालूंगी। ऑफिस 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 नहीं जाता मैं, मेरा बिजनेस है। ठीक है संभाल देती हूँ मैं, मेरे को पता है मुझे क्या करना है। क्या करना है मुझे? पूरे घर की सफाई करनी है अभी। ठीक है, खुद रेडी होने जल्दी करो यार। ओके सर, ठीक है। जो बिजनेसमैन पति होते हैं ना, उनकी वाइफ की हेल्प करता है पूरी पूरी। ऐसे नहीं किया भाई, बिजनेसमैन का मतलब ये थोड़ी कि वेला बैठा रहेगा, काम भी देखना है भाई। अभी अभी लैपटॉप लेके बैठूंगा, कुछ काम होएगा, कुछ एंट्री देखनी होगी। थोड़ा अच्छे पति बनो, थोड़ा हेल्प करो मेरे को। इससे क्या हो जाएगा? हर पत्नी को अच्छा लगता है। तुम्हें बहुत पता है। और नहीं तो क्या? कितने की बीवी रह चुकी हो तुम? कितना कर देता हूँ तुम्हारी हेल्प, क्योंकि मैं अच्छा हस्बैंड हूँ इसलिए। दिस इज माय आई वॉच, ये मैं रखूंगा इधर क्योंकि इसमें मैंने रखा था, टूट गया ये। ये मेरा वॉलेट है। वॉलेट तो हमेशा बीवी के हाथ में होता है। उसमें कुछ है नहीं, क्या करोगे? कार्ड तो होंगे कुछ, तो कार्ड रहो, कार्ड तो होंगे। कार्ड के पासवर्ड भी तुम्हें थोड़ी बता दूंगा मैं, इतना पागल पत्ते भी नहीं हूँ मैं। लो आज वैलेंटाइन डे है उसके लिए। अच्छा हाँ गाइज, आज हैप्पी वैलेंटाइन डे हम दोनों की तरफ से आप लोगों को। तो आज वैलेंटाइन डे है तो ये लो मेरी तरफ से आपके लिए। मैंने वो लेडी आपके लिए मंगा कर रखी है। जैसे झूठ मत बोलो, ठीक है ना? अब इतना अच्छा पति कैसे मिल सकता है आपको? तो सच में मंगा रखे थे मेरे लिए। गुड गुड, काम करो, अच्छे से काम करते हैं। देखते हैं मेरे पति देव ने आज कितनी सफाई करी है अपने रूम की। लेट्स गो एंड सी। ओके, अरे वाह, रूम तो बड़ा साफ लग रहा है। मैं हूं हस्बैंड मटेरियल। ओहो, आ चलो। अगर आपको शादी के प्रपोजल भेजने हैं तो मेरे घर का एड्रेस है डॉट 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 डॉट। बस बस बस। वैसे मैं पता है क्या है? हाँ वेनेसडे। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज तो कहीं नहीं यार, मूड नहीं है मेरा आज। भाड़ बजाओ तुम, मैं जा रही हूँ तुम साथ। ओके ठीक है। हम उसका इंस्पायर चल रहे हैं, एक टेक लेना है। ठीक है। वाह तुम्हें याद था? क्यों नहीं।
हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू सो मच। अभी खत्म थोड़ी हुआ है। मतलब तुम हमेशा कहती थी ना यू आर नॉट थॉटफुल। वेल वॉच मी। तुम्हें पता है तुम और तुम्हारा इंटरेस्ट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और मुझे आज भी याद है जब मैंने तुम्हें फर्स्ट गिफ्ट दिया था वो था रेडियो और तुम्हें कितना पसंद आया था। तुम्हें अभी तक याद है? और नहीं तो क्या। और मुझे अभी भी अच्छे से याद है तुम्हें किताबें पढ़ना और इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनना कितना पसंद है। yes? इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक बेस्ट गिफ्ट लाया हूँ। क्या? कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन। इससे पता है क्या होगा, इससे ना हम दोनों की ग्रोथ होगी और इसमें अलग अलग लैंग्वेज में 10,000 से भी ज्यादा शोज है इंक्लूडिंग लव स्टोरी, सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल बुक्स। और पता है इसका बेस्ट पार्ट क्या है, इसको ना हम कभी भी यूज कर सकते हैं, जैसे ड्राइव करते हुए और तुम खाना बनाती हो, जब सुन सकती हो अच्छे से। पता है इसमें सबसे ज्यादा खास बात क्या है, इसमें ना तुम नोट्स भी बना सकती हो। तो तुम्हें ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ा? कुछ एक्सपेंसिव नहीं पड़ा, मुझे 60% का डिस्काउंट मिला है NP60 कूपन कोड यूज करके। वाव यार, तो बहुत अच्छी डील है, इट्स गुड टू गो। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? दिस इज द बेस्ट गिफ्ट एवर। मुझे नहीं पता तुम इतने ज्यादा थॉटफुल हो। लाइक तुमने मुझे एक पॉकेट में 10,000 से ज्यादा प्लस ऑडियो बुक लाइब्रेरी गिफ्ट कर दी। तुम्हें सरप्राइज वाले देने में मैं थोड़ा थक गया हूँ। तो अब लेके आओ मेरे लिए खाना। क्या खाएंगे आप सर? जो घर पे बना होगा। ठीक है, लेके आते हैं। निकाल के लेके आओ। तुमने बनाया क्या वैसे? मैंने अपने बनाया है चिकन। चिकन तुमने बनाया? इतना भी झूठ नहीं बोल रहा है। क्या बनाया संदीप? मुस्कान तुम्हें बोला था निकालने के लिए, क्या कर रही हो? कुछ मिक्स कर रहे हो उसमें। क्या है भाई इतने गंदा? अरे भाई इतना किचन गंदा, ये हाइजीन वाइफ नहीं है, बहुत गंदी है, नहाती भी नहीं होगी। यार नहाती है तुम? हाँ रोज नहाती हूँ मैं। मैं तो नहीं देखता। तुमने थोड़ी बनाई है। But still इसने बनाई है, अच्छी बनी है। तुमने खा ली? आप पहले पति से पहले पत्नी कैसे खा सकती है? पहले खा के बैठी है। क्या खाया था इसने? इसलिए खाई थी मैंने। हाँ बताओ। बैठी थोड़ा बहुत खा सकती है ना। देख रहे हो मैं जैसे मैंने कैमरा बंद किया ना इसने प्लेट रख दिया, इतनी तेज है। मेरी गलती नहीं है यार, मैं तो खिलाती बल्कि। अर्थवाइज किस काम की भाई? तो मैं खिलाती हूँ नहीं। तुम बहुत बदतमीज हो, तुम बहुत बदतमीज हस्बैंड, तुम झूठ बोलते हो। मैं पूरा खिला रही थी, मैं ऐसे नहीं होता हूँ। शादी हो गई। ओरा क्या थी तुझे? अरे खतरनाक ओए, इतनी सेक्सी दिन तो आपके जनरेशन में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं इतनी अच्छी बीवी मेरी अच्छी भाई, मुझे बीवी चाहिए मेरी मम्मी की तरह। ओके तो खिला रही हूँ ना मैं ऐसी। जैसे मेरी मम्मी है, जैसे मैंने मम्मी को देखा है, वैसे पेट भर गया भाई दो चम्मच में। बस देखा ही है, बस बस पेट खराब सा लग रहा है पता नहीं क्यों। अब सोच रहा हूँ यार कोई रोटी बना देना, मजा आ जाए, गोल रोटी। मैं बनाती हूँ। अभी इसने पता क्या बोला, मेरे नेल्स हैं। नेल्स बड़े हैं गाइस, मैं आटा गूंदूंगी इनके साथ, मैं चम्मच से गूंदूंगी आटा चम्मच से। चलो चलो बिल्कुल रोटी गोल बननी चाहिए, गोल। मैं चम्मच से आटा गूंदती हूँ। गूंदो एक बार दिखा दो यार। कल को अगर ये वाइफ बनती किसी की फिर तो बोलेगी मेरे लिए मशीन मंगाओ, हाथ वाथ से मेरे बस की नहीं करना। ये क्या बात है भाई, अगर गरीब पति मिल गया तुम्हें तो चम्मच से सबके घर में होता है। चम्मच सबके घर में होता है और दो क्या? तो तुम चम्मच से करने वाले लगते हो नहीं रही हो। देखो हो तुम, ये मुस्कान कहेगी तुमने मेरा स्टेटस देखा है। चम्मच से करूंगी मैं रोटी। ऐसा कुछ नहीं है, रोटी खाएंगे हम। पास्ता खाएंगे। रोटी बनेगी ना गोल रोटी। अगर बनेगी तो मुझे क्या फायदा? मतलब कोई बीवी होगी अपने पति के लिए काम कर रही है। क्या कह रहे बन गई तो मेरे लिए बना दी। ठीक है पक्का गोल रोटी बना दिया ना भाई? हाँ गोल रोटी बनानी गोल। ठीक है तुम एक काम करोगी, मुझे पता है कटोरा रख दोगी उसमें से, हमसे इतने चल रही हो। गोल रोटी चाहिए ना? हाथ से बनाओगी? ठीक है हाथ से ना लोगी। और कुछ भाई? एनी गर्ल्स? कोई कह गया वाइफ थोड़ी है ये, तो जुगाड़ वाइफ है। तो मतलब हर काम में जुगाड़ थोड़ी चलता है भाई। भाई जिस काम में चलता है उस काम अच्छा, में चलाओ। हस्बैंड इंडिया इज नॉट ए बात, तो हस्बैंड ने जुगाड़ मान लेगी? जुगाड़ हस्बैंड क्या होते हैं? नहीं जुगाड़ हस्बैंड क्या होते हैं ना, जरा बस काम चल जाए। नहीं भाई एक्सेप्ट करोगे तुम? लेकिन हाँ या ना? चीजों में एक्सेप्ट करें हाँ या ना? फिर हम ये इसमें क्यों एक्सेप्ट करें भाई? लेकिन इसमें जुगाड़ है, लेकिन इसमें ना कोई नुकसान नहीं है। वो सुनो मैं, नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा भाई? क्या नुकसान होगा? ये गोल रोटी है। अरे रुको ना, इधर मोड़ रही है फिर इधर मोड़ रही है, जहाँ टेढ़ा हो रहा वहाँ मोड़ रही है। भैया तवा तो चालू नहीं है, ये कौन चालू करेगा?
तो लग रहे थे भाई कैसे? गोल बन रही है। ये उसका नेपाल का नक्शा है। कहीं आगे से ट्रेन पता है। मैं बता रहा हूँ क्या करना चाह रही है। गोल तो बनी नहीं, इसने बीच में मारा, ठीक है। जब देखा इधर टेढ़ा हो गया तो इधर मार दिया उसे कवर करने के लिए, उधर टेढ़ा उधर कवर कर दिया। ठीक बनिए गोल, बहुत मोटा गोल, गोल थोड़ा मोटा पतला करो तुम। क्या आटा यहाँ लगा लिया तुमने? उठ नहीं रही है, उठ नहीं रही, तोड़ दिया। ये क्या है? ये देख लो, कहाँ? ये देख लो एक बार, ये देख लो, ये कहीं से गोल नहीं लग रही मुझे बिल्कुल भी। यार देश, ये रखी भाई, गोल तो लग रही है, वो लग रही है चौखट्टी। यार नहीं जी, तुम क्या कर रहे हो? क्या गोल है ये? गोल कहाँ से है भाई? ये गोल है, ये ऐसी है गोल, ये होती है। पागल बना रही है मेरा, मैं क्यों पाऊंगा भाई? पेट थोड़ी खराब करवाना मुझे अपना। मैं तो देखना चाहता था कि तुम पास हो पाओगी। नहीं, मैं हो गई पास? नहीं हुई, हो गई मैं पास? तुम हुई हो पता कितने परसेंट? हाँ 40%। क्यों? तुम मेरी रोटी को लड़ नहीं आई भाई? रोटी तो अच्छी बन रही है, इतनी टूटी फूटी ऐसी बनती है? ऐसा मतलब भूखे नहीं मरने दोगे तुम किसी को ना? भूखे नहीं मरने दो किसी को भी, और हाइजीन तरीके से खाओगे ना? पेट खराब हो जाए। क्या है भाई, रोटी है क्या है? टेंशन हो रही है खाने में। रोटी बनी है, देखो ये तो पापड़ है। मारो ये पापड़ नहीं है भाई ने पापड़ बना दिया, पापड़ रोटी। देखो देख लो, खुद देख लो तुम, देखो देखो चले खा के देख लेता हूँ। आटा तो बर्बाद हो गया। पहले कैमरा बोल दिया, अगर मुझे कुछ हुआ तो, अगर हाँ अगर मुझे कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार मुस्कान है। घर में आराम से भाई साहब, ये रहा डस्टबिन। इतना दिक्कत तो अमिताभ बच्चन को दिक्कत नहीं हुई, जहर वाली खीर खा के जितनी दिक्कत मुझे हो रही है। कहाँ सही बनी है? इससे वो खेल ले, इससे खेल लेते हैं, डिस्क खेल लेते हैं। पता क्या, गर्मी है ठीक है, लाइट वाइट जाएगी, ऐसे रोटी बनाई, पक्का बनाया, ऐसे हवा चल रही है। इसने बोला कि मैं किसी को भूखे नहीं मरने दूंगी, भूखे को मार देगी। इसलिए भूखे मर ही नहीं सकता भाई, कोई नहीं, लड़की ने मेहनत करी है। नहीं आप किसी को भाई लेकिन नहीं है तो आप लोग कर सकते हो। रोटी ज्यादा गंदी लगी, प्लास्टिक की कटोरी, स्टील की प्लेट, क्या कॉम्बिनेशन है? मक्खन का है रोटी में, चम्मच का है सब्जी में। ये वाइफ वाले, ये वाइफ वाले काम है कुछ? मेरी ऐसी वाइफ को तो मेरे पास बेल्ट रखी है। मेहनत के 100 में से 100। ओके गुड नाइस। एक रोटी बनाकर तुम थक गई, कह रही हो नींद आ रही है, तो मेरे हस्बैंड को पसंद ही नहीं आ रही कुछ। मैं क्या करूं, मैं इतने एप्पल्स ला, लाओ तुम्हारा हाथ दबा दो, लाओ तुम्हारा हाथ दबा दो। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। लाओ सर दबा दो तुम्हारा, लो लो, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा पति भगवान सबको दे, सबको दे ना, सबको दे। गला दबा दो, गले दर्द है तुम्हारे गले में? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी जारी लगा रहा है, एक्टिंग कितनी बढ़िया कर देती है ना ये, मसाज भी करते तुम्हारे। अब बताओ बस, अब क्या ही चाहिए? इतना अच्छा पति किसी को मिल सकता है? शॉपिंग करा दो यार, है शॉपिंग भी करा दो। इस वाले ब्लॉग में, इस वाले उसमें पति भी जी है, गाड़ी खराब है पति की। किराए वाली? हाँ मैं ले आती हूँ गाड़ियाँ। कैब कर लोगी तुम? हाँ कर लूँगी। नहीं भाई ठीक है, पति के तबीयत खराब है, वो गिफ्ट शॉपिंग वॉपिंग पे नहीं जा सकता। अभी मैंने दबाया तो वो ना बदला लेना चाह रही है, मतलब ऐसा ना रहे, मैं तुम्हारा दिमाग दबा दूँ? दिमाग दिमाग हाँ दबाते, खड़ी हो एक बार, खड़ी हो, खड़ी हो ना, पूरा खड़ी हो, बैठ पे खड़ी हो, बैठ पे खड़ी हो, हाँ इधर आओ थोड़ा कैमरे के सामने, तो आज दिमाग दिमाग दिमाग। ओके वेरी फनी गाइस, वेरी फनी, वेरी फनी तो था। हाँ फुल, चलो मैं सर दबाओ, रुको दबा दियो, सॉरी थोड़ी इनसे गलती। वाह नाइस नाइस, मजा आ रहा है, बस हो गया, बस थैंक यू। ओके क्या है भाई, ये ऐसे चलते हैं क्या? चलते हैं साड़ी में, हम जा रहे हैं बैव के फ्लैट पे। सोते कितना
बताओ। पूरे दिन सोता है, उसके बाद सोने के लिए बोल दो, पूरे दिन सो लेगा। भाई जग चुके हैं, इनको जगाने में कम से कम आधे घंटे लग गया है। टॉपिक पता है तुझे क्या, हम क्या बना रहे थे? मुझे नहीं पता। हस्बैंड वाइफ वाला, और उसमें तू रोल करने वाला। भाई पब्लिक की डिमांड आ रही है इतनी कि वैभव का भी रोल होना चाहिए इस वीडियो में। ऐसी पब्लिक मुझे नहीं दिख रही, मुझे क्यों नहीं दिख रही है? ये पब्लिक हमारे दिल से कनेक्ट है हमारे। अच्छा, क्या कह रही है पब्लिक? दिल से कनेक्ट है हमारा पब्लिक। पब्लिक क्या कह रही है? कि इस वीडियो में कुछ वैभव का भी रिएक्शन आना चाहिए। अच्छा, वैभव बनेगा हमारा बच्चा। क्या बनेगा? बनेगा हमारा बच्चा, हमारा बच्चा। देख लो, पापा को बेटा बनाया जा रहा है। हमें एक एक नाम, मम्मी डर रही है। लो बेटा, जा नहीं खाना, ठीक है? दादू में कैविटी लग जाती है। ओके, जा नहीं खाना। अच्छा है, गुड गुड। Yeah. बच्चे तो तोतलों के बोलता भाई, तू बोल नहीं रहा। गुड गुड। ये तो मैं, अबे दाढ़ी वाला बेटा आया तो मम्मी ने कैंडल नहीं हटाई। तो दाढ़ी खाना बच्चा, इसलिए दाढ़ी नहीं खाना। ओके चलो, बस 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 बस। पैसा पापा से ना, पैसे पापा से पैसे ले लो। पापा तो बहुत खतरनाक है, मारते थे पता है। मम्मी पैसे देगी? नहीं नहीं बेटा, मेरे पास कहां से पैसे? पापा कमाते हैं। पापा कमाते हैं, मम्मी छुपा के। मम्मी देती है बेटे को पैसे, पापा नहीं देते। पापा कम देते हैं, मम्मी देती है छुप छुप के। ये पड़ोसी का बच्चा है। आपके लिए मैं ही लेकर जा रही हूँ। मम्मी तो बड़ी ख्याल रखती है। मॉडर्न मम्मी, जुगाड़ू मम्मी, मतलब जुगाड़ू होके दवाई है। मॉडर्न मम्मी बैठ दो, लो ही बैठ दो, खा लेंगे। फैमिली फोटो भी तो हो जाए बैठा यार। स्माइल, 3 2 1। स्कूल की फीस भरनी है उसकी, भर देंगे, क्या दिक्कत है? स्कूल जाके क्या करेगा तू? मौज ले, ट्यूशन के फीस भरनी है। लाइफ में मौज ले, स्कूल स्कूल छोड़ दे, स्कूल छोड़ दे। चलो नहीं बच्चा, स्कूल ना अच्छी बात होती है। क्लब चल रहा है मम्मी। हां, पैक बनाओ। शर्म नहीं आती तुम्हारा बेटा पैक की कह रहा है? आपको शर्म नहीं आती आपको? मुझे क्यों शर्म? मेरा बेटा तो मस्त आदमी है, इसके साथ क्यों हुआ? मौज है। लेकिन लेकिन एक बात है, यहाँ फर्क है, बाप भी पिता है, बेटा पिता है। किसका बच्चा है ये? पड़ोसी का है, मैंने कह रहा हूँ पड़ोसी का है। तेरी मम्मी ऐसी है बेटे? मम्मी थे, मम्मी है फैशन इन्फ्लुएंसर। ये फैशन में रहती है, साड़ी भी देख लो फैशन में पहनी हुई है। सोते वक्त साड़ी? हाँ, मम्मी ऐसी है, नहाई नहीं है बस दो दिन से। अच्छा, मैंने रोज नहाती हूँ ना आपको, आपको बड़ा पता है, नहाती नहाती मम्मी ने बोला मुंह धोके तो है। मेरे बेटा कह रहा है मुंह धोके, चलो जाओ। नहीं जी, क्यों? मेरा खराब हो जाएगा मेरा। मम्मी ने लिखवा रखा है नितेश पासवान की औरत। किच्ची कर दो, पापा तो कर ली, मम्मी मम्मी की बारी, मम्मी ये किच्ची कर लो। नहीं ये बेटा ही चाहिए, नकली बेटा है ये। राकेश की बीवी चाहिए, राकेश की बीवी आएगी है ना? राकेश की बीवी चाहिए। और तुम्हें पसंद है? मुझे पसंद, मुझे तो पसंद है, पहले से ही पसंद है। मम्मी ऐसे, मम्मी ऐसे, मम्मी तो वो किस करेंगी गाल में? हाँ, तुम तो कर नहीं रही हो। गाइस कमेंट करके बता देना वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो फैमिली, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जिसने अभी तक कुकू एफएम डाउनलोड नहीं किया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जल्दी जाकर चेकआउट करो। और हाँ, मेरा कूपन कोड यूज करना मत भूलना, NP60, जिससे आपको मिलेगा फर्स्ट सब्सक्रिप्शन पे 60% का डिस्काउंट। और ये ऑफर सिर्फ 25 तक वैलिड है, तो जल्दी से जाओ चेकआउट करो।